लखनऊ में ग्रेविटी कोचिंग सेंटर को सील करने का आदेश भी किया गया है। मानक के हिसाब से नहीं बना है ये पूरा जो परिसर है। फायर उपकरण, आग लगने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एलडीए के अफसर ग्रेविटी कोचिंग सेंटर को भी सील करेंगे। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ते हैं। मानकों के विपरीत पाई गई हैं तमाम व्यवस्थाएं। कोचिंग की बिल्डिंग में कोई भी फायर एग्जिट नहीं है, फायर अलार्म नहीं बजा, चारों तरफ से बिल्डिंग भी पूरी तरीके से कवर्ड है। इसके अलावा जो गलियां हैं, जिस रास्ते में ये पूरा परिसर बना है, इतनी ज्यादा तंग गलियां हैं कि वहां पर अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो फायर जो दमकल विभाग है उसको पहुंचने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि इनका जो इलेक्ट्रिकल एक छोटा सा कमरा है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से वहां पर जितने बच्चे थे वो तुरंत निकल गए और कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की इस बिल्डिंग की स्थिति है और जहाँ पर दो बड़े बड़े हॉल्स में बच्चों की पढ़ाई हो रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर, वो सेफ नहीं है। नगर आयुक्त साहब भी यहाँ पर हैं। इस बिल्डिंग की फिजिबिलिटी और इसका फिटनेस देखा जाएगा कि क्या ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं, और उस पर कार्रवाई की। होटल के बाद हजरतगंज इलाके में एक बार फिर आग लगी है। आग कोचिंग सेंटर में लगी है। ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के अंदर आग लगी है सेकंड फ्लोर पर, और पूरा धुआं भर गया है जिसके चलते बिल्डिंग का शीशा भी तोड़ा गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पुलिस बल है यहाँ पे, तमाम आला अधिकारी हैं, क्योंकि जिस तरह से लेवाना अग्निकांड हुआ है उसके बाद अब किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर अधिकारी भी सतर्क हैं। कमिश्नर खुद यहाँ पहुँचे हैं, JCP लॉ एंड ऑर्डर पहुँचे हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। बिल्डिंग का शीशा तोड़ा जा रहा है ताकि जो अंदर धुआं भरा है उसको निकाला जा सके, क्योंकि जो लेवाना कांड हुआ था उसमें जिन लोगों की मौत हुई है वो धुएं की से हुई है, दम घुटने से मौत हुई थी। तो अब पुलिस के तमाम आला अधिकारी अंदर है। यही बिल्डिंग है जिसमें ये आग लगी है। ग्रेविटी कोचिंग का ये ऑफिस बताया जा रहा है, जहां पर रिकॉर्डिंग होती है उसी बिल्डिंग में ये आग लगी है। सैकड़ों की संख्या में छात्र यहां पर पढ़ते हैं। जो छात्र जब आग लगी तो छात्र यहां से किसी तरह अपनी जान बचा के भागे हैं, लेकिन अभी भी बिल्डिंग में आग लगी। अब देखना ये होगा किस तरह से इस आग पर काबू पाया जा सकता है। लखनऊ से कफील रहमान, भारत समाचार। तो ये वही कोचिंग सेंटर है जहां पर आग लगी थी, और अच्छी बात ये रही कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे उस दौरान जैसे उन्हें सूचना लगी कि यहां इस बिल्डिंग में, इस परिसर में आग लगी है, सभी बच्चे किसी तरह से मौके से बाहर निकले और सभी ने अपनी जान बचा ली। ग्रेविटी कोचिंग सेंटर जहां पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। हजरतगंज इलाके की यह घटना है, लेकिन जिस तरीके से कल जिस तरह से एक बड़ा अग्निकांड सामने आया उसके बाद अगर हजरतगंज की ही किसी बिल्डिंग में इस तरह से आग लगती है तो उसके बाद तमाम सवाल भी उठते हैं, उन मानकों पर उठते हैं, उन निर्धारित प्रक्रियाओं पर उठते हैं जिनका पालन नहीं किया गया। ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में ये आग लगी थी जिसके बाद इसको सील कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के भी तमाम लोग मौके पर पहुंचे, नगर आयुक्त भी मौके पर पहुंचे। तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा, परखा, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कमियां हैं, और उसके बाद इसे